नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह अपने निश्चित समय पर स्थान गोचर करता है। बता दें कि 17 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और बुध इस राशि में पहले से ही विराजमान है। दोनों ग्रहों के एक ही राशि में होने से बुधादित्य राज्यों का निर्माण हो रहा है, जो कि इन 5 राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। ये जानते हैं कौन सी है वो राशियाँ। पहली है मिथुन राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि के लोगों के लिए सूर्य का गोचर शुभ फलदायी रहने वाला है। बता दें कि ये गोचर इस राशि के 6 भाव में होने जा रहा है। इस राशि वालों के लिए ये अवधि बहुत ही लाभकारी साबित होगी। इस समय विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, साथ ही परिणाम आपके पक्ष में आता दिख रहा है। इतना ही नहीं, आप इस समय शत्रुओं पर हावी रहेंगे। अगर इस दौरान कोई सरकारी फैसला आता है तो वह पूरी तरह से आपके पक्ष में रहने वाला है। इसके बाद है कर्क राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर कई मायनों में अनुकूल रहने वाला है। बता दें कि वैवाहिक जातकों के लिए यह अवधि बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाली है। जो वैवाहिक लोग परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस दौरान कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, इस दौरान आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। ये राशि वाले लोग मेडिकल और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की भी संभावना है। इसके बाद है सिंह राशि। बता दें कि ये गोचर सिंह राशि के 4th भाव में होने जा रहा है। ऐसे में अगर आप पर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इस समय भौतिक सुख और खुशियों की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा। इस समय धन लाभ भी होगा। कामकाज को लेकर जो योजना बना रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। इसके बाद है कन्या राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। इतना ही नहीं, इस समय आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। मीडिया, लेखक या सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह भी विशेष फलदायी है। वहीं जो लोग बिजनेस और किसी MNC में काम कर रहे हैं, उन्हें लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके बाद है धनु राशि। ये गोचर रोजगार की दिशा में बहुत ही अनुकूल साबित होने वाला है। इस अवधि में धनु राशि के लोगों को विदेश यात्रा के योग बनते नजर आ रहे हैं। इस समय आपके लाइफस्टाइल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इस अवधि में जो भी यात्रा करेंगे उसमें लाभ होगा। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह अवधि उत्तम फलदायी रहने वाली। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।